आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माई फूड एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बग़ैर आटा गूंदे वेजिटेबल पराठा। इनके सब्ज़ियाँ डालकर मैं पराठा बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं बहुत आसान आसान वीडियो आपको बताऊंगी। ये तो मैंने सब्जियां ली है, इसको कद्दूकश कर लिया है। ये है गाजर और ये आलू और ये टमाटर, मूली, सब्ज़ मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है, आपने लेनी है तो ले सकती हैं वरना इसको स्किप भी कर सकती हैं। और ये मैंने पालक और सब्ज़ धनिया, ये मैंने दोनों काट लिए। ये मैंने सब्जियां तैयार की हैं। एक कप लेंगे हम आटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं सारी सब्जियां डाल दूंगी जो मैंने कद्दूकश की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी सब्जियां डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। नमक मिर्च आपने अपने हसबे ज़रूर डाल ली है। सब्ज़ मिर्च आप स्किप, बच्चों ने अगर खानी है, खाना है पराठा तो सब्ज़ मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं, ना डालें। ये है सब्ज धनिया और पालक। अब मैं इसमें नमक मिर्च डालूंगी। ये मैंने नमक लिया है और ये है खुशक धनिया, ये है मसाला, कुटा हुआ मसाला। और अब इसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ। सुर्ख मिर्च आपने हसबे ज़ायका डालनी है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी डालनी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करना है, देख लें बस इस तरह का होना चाहिए। पानी डालकर आपने इस तरह का कर लेना है। अब इनसे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा मैं इसमें एक चम्मच इसमें ऑयल डाल दूँ, वो इसमें मिक्स करेंगे। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, इसमें ऑयल लगाऊंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से ना ऑयल लगा लेना। अब इसको गर्म होने दूंगी। पैन हमारा गर्म हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें आटा डालने लगी हूँ। बगैर आटा गूंदे बहुत ही मज़े का और टेस्टी पराठा बनता है। इस तरह सारे फुला लेना है, बस इसको पकने देना है थोड़ी देर, हल्की आंच पर ही पकाना है। अब मैं इसको पकने दूंगी। अब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर इसको पलटना है, जैसे ये ऊपर पक्का पक्का लग रहा है, कलर भी चेंज हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इधर से पकने देना है, थोड़ा सा आयल लगाएंगे। लाई तो पहले लगा हुआ है, दूसरी साइड पे लगाएंगे। अगर लगाना है तो आपने लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहें आप लगा सकती हैं। वैसे इसके अंदर भी डाल लिया था, अगर ना भी लगाएं तो फिर भी बहुत अच्छा बनेगा। अब दूसरी तरफ से पलटेंगे, इधर से भी और पका लेंगे, बिस्मिल्लाह। देखिए कितना अच्छा बना है। ऐसे ही मैं सारे पराठे जितने हैं सारे ऐसे ही बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनते हैं, बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर पेड़ा किए, बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ज़रूर बनाएं। पराठा हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया, दोनों साइडों से पक चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये इधर से भी पक गया है, उधर से भी पक गया है। ऐसे ही मैं सारे जितने हैं सारे ऐसे ही पराठे बनाऊंगी। ये पराठे हमारे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, देखें ये बहुत अच्छे बने हैं। एक कप से 5-6 पराठे बन गए हैं। और अब मैं इसको काटूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यूं ऐसे। देखें बहुत अच्छे से बने हैं माशाल्लाह, बहुत टेस्टी भी है। आप इसको देखें, आप बहुत अच्छे से बनी है। चलिए आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, जैसे मैंने बनाए वैसे बनाए तो बहुत अच्छे बनेंगे। चलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।